अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। सो टुडे वी विल स्टडी फ्रॉम काउंटडाउन बुक 5। सो पेज नंबर इज 57। सो चैप्टर नंबर 3। सो वी लर्न अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ बॉडमास रूल ऑन फ्रैक्शंस। ठीक है, बॉडमास के बारे में यू हैव लर्नड इन फोर्थ क्लास ऑल्सो, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट। सो यू कैन सी द फर्स्ट एग्जाम्पल हियर, रूल्स उसके बॉडमास के 75 प्लस एडिशन का साइन है, मल्टीप्लीकेशन का सब्ट्रैक्शन का साइन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज वी सॉल्व द ब्रैकेट, राइट। सो ब्रैकेट में जो मल्टीप्लीकेशन का साइन है उसको सॉल्व किया गया, देन एडिशन हम सॉल्व करते हैं, एंड में हम सब्ट्रैक्शन को जो उसको सॉल्व करेंगे, राइट। इनमें फ्रैक्शंस के जो सम्स हैं इसमें यही चीज़ देखना होगी। सो इस तरह से ये दिया गया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है 3 होल 1/4 प्लस ब्रैकेट दी गई है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है एंड देन डिवीजन का साइन है। तो इसमें आप देखेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले आप चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और फिर उसके बाद आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आप डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद उसके बाद एंड में आप जो है एडिशन को सॉल्व करेंगे। सिमिलरली ये दो एग्जाम्पल्स दी गई हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसमें देखें, फोर्थ एग्जाम्पल में मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले आप चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, फिर उसको आप डिवीजन को पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में, फिर मल्टीप्लीकेशन को और एंड में आप सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। सो सिमिलरली वी मूव टू एक्सरसाइज 3D, फिल इन द ब्लैंक्स में आप देख सकते हैं ए पार्ट, राइट। ए पार्ट आई हैव सॉल्व दिस फॉर यू। ए पार्ट में आप देख सकते हैं 1/5, 3/5, इसका आंसर जो है वो 0 आता है, 3/5 को सॉल्व करने के बाद। सो आंसर वी कैन राइट 0 हियर। बी पार्ट है, आई हैव सॉल्व इट, सो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर इज 3/8 आता है, आप इधर 3/8 लिख सकते हैं, राइट। सेम सी पार्ट में आपका 13 होल 2/3 आंसर है, राइट, 13 होल 2/3। देन सिमिलरली डी पार्ट में आपका आंसर जो है इसको सॉल्व करने के बाद 16 जो है वो आंसर आता है। देन ई पार्ट में आपका 1 लास्ट में 1 आंसर। सो सिमिलरली ट्रू फॉल्स में आप देख सकते हैं, ट्रू फॉल्स ए पार्ट इज़ ट्रू, सो देन बी पार्ट इज फॉल्स, देन अगेन फॉल्स, देन ट्रू एंड देन लास्ट वन इज़ फॉल्स। यू कैन लुक एट दिस, आई हैव सॉल्व दिस। ए पार्ट ट्रू है, बी पार्ट मैंने सॉल्व किया आपके लिए, सी पार्ट भी सॉल्व करके आपने भी चेक करके फिर आपने बताना होता है कि वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। डी पार्ट एंड दिस इज ई पार्ट आई हैव सॉल्व, राइट। सो नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि आपके पास 1/3 मल्टीप्लाई 1/4 डिवाइडेड बाय 1/8। सो इसको हम सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरह से ये हमारे पास ए पार्ट जो है वो मैंने सॉल्व नहीं किया, हम इधर कर लेते हैं सॉल्व। 1/3 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 8/1, 4 1 4 4 2 8, सो आंसर इज 2/3। सिमिलरली बी पार्ट मैंने सॉल्व किया आपके लिए, ये बी पार्ट का आंसर आपका 9/10 आता है, तो इसमें 9/10 ऑप्शन आपके पास। सी पार्ट की ऑप्शन है आपके पास 25/7, दिस इज़ आई हैव सॉल्व इट फॉर यू, सो 25/7 ये हम उसके ऑप्शन। देन डी पार्ट इज इक्वल टू 3/16, इसका आंसर जो है 3/16 इसका आंसर आता है। इसको मैंने सॉल्व किया लेकिन वो दैट इज़ नंबर आपसे, ये 3/16 इसकी ऑप्शन है। एंड ई पार्ट की जो है ऑप्शन 2/3 है, राइट। सो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके लिए सॉल्व किया है। फोर्थ क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं 2/5 प्लस ये ब्रैकेट में दिए गए हैं माइनस एंड डिवीजन, तो आपने माइनस और डिवीजन को पहले सॉल्व करना है, राइट। डिवीजन को पहले आप सॉल्व करेंगे उसके बाद आप, यू कैन सी हियर आई हैव सॉल्व दिस फर्स्ट पार्ट, राइट। इसको डिवीजन को हमने पहले सॉल्व किया, मल्टीप्लाई में चेंज किया, मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद फिर सब्ट्रैक्शन को ब्रैकेट को सॉल्व किया हमने, 2/5 आ गया, एंड लास्ट में हमने इनको दोनों को ऐड कर दिया 2/5, राइट। देन बी पार्ट मैंने आपके लिए सॉल्व किया, दैट इज़ 3/7,
plus 4 over 7 plus 5 over 7, right? So here आप ए पार्ट बी पार्ट और डी पार्ट इसमें ये हमने सॉल्व किया, फिर 7/17 प्लस 4/17 माइनस 6/17 डिवाइडेड बाय, तो इसमें जो ब्रैकेट्स हैं उसको पहले हम सॉल्व करेंगे, देन आपको जो मल्टीप्लाई होते हैं कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करेंगे, राइट, और आंसर इज 3/7, राइट। सो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू कैन प्रैक्टिस एट होम। सो डी पार्ट आप देख सकते हैं, इसमें ये डी पार्ट सॉल्व किया है मैंने आपके लिए। सो हियर ब्रैकेट इज देयर, मल्टीप्लाई इज देयर, डिवीजन इज आल्सो देयर एंड सबट्रैक्ट। सो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आप डिवीजन को सॉल्व करेंगे, डिवीजन को सॉल्व करने के बाद आप सबट्रैक्शन जो है उसको सॉल्व करेंगे, राइट। सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन एट होम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।